बिहार की राजधानी पटना में रेलवे जंक्शन के सामने स्थित पॉल होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला का जला हुआ शव होटल से निकाला गया। वहीं 5 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है। बिल्डिंग में मौजूद करीब 3 दर्जन लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान आग से हुई अफरा तफरी के कारण झुलसे और घायल हुए करीब 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की भयावहता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 2 घंटे तक होटल में आग धधकती रही। पॉल होटल में आग की घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हुई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। होटल के सामने पुल पर वाहनों का जाम लग गया। आग इतनी भयावह थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मियों के इंतजाम नाकाम साबित हुए। आग की लपटें होटल के नज़दीक अन्य बिल्डिंगों तक फैलने लगी। अब तक होटल में फंसे करीब 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अग्निशमन विभाग के DIG मृत्युंजय कुमार भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। होटल के अंदर कमरों की तलाशी की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई इसमें फंसा तो नहीं है। उन्होंने बताया कि होटल से करीब 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। होटल में लगी आग की जानकारी उन्हें करीब 11 बजे मिली थी। फायर कर्मियों ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया। पॉल होटल में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। होटल की बिल्डिंग में लगी आग बुझाने और नज़दीक की अन्य इमारतों को उससे बचाने की कोशिश की जाने लगी। हवा के साथ आग की बढ़ती लपटों से लोग डरे हुए थे। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन के अधिकारी आग लगने के कारणों की जाँच कर रहे हैं।